तुम ठीक हो? अच्छा तुम आ गए। वो सब छोड़ो, तुम मुझे ये बता, तुम यहाँ आए कैसे? मुश्किल में यहाँ कड़ी पत्ते लेने आई थी। कड़ी पत्ता यहाँ पे? वो गार्डन में फ्रेश कड़ी पत्ते मिलते हैं ना, तो मुझे लगा मैं यहाँ से ले लेती हूँ, और मेरे गड्ढे पे नजर नहीं पड़ी और मैं गिर गई। आशा कड़ी पत्ते लेने थे, किसी नौकर को बोल देती ले आता। तुम कड़ी पत्ते ढूंढ ढूंढ के इस गड्ढे में कहाँ गिर पड़ी? मैं कह रही हूँ ना, मुझे नहीं दिखा। आशा गड्ढा नहीं दिखा, पैर पे चोट लगी वो तो जानती हो ना तुम। ऐसी खुद को तकलीफ देके गिर गई ना गड्ढे में। कभी कभी ना तुम एकदम बच्चों की तरह बिहेव करती हो। अभी बच्चों की तरह रो क्यों रही हो? तुम मुझे बच्चे की जैसे डांट सकते हो, तो मैं बच्चे की जैसे नहीं रो सकती। वैसे भी मैं यहाँ अपने लिए नहीं, तुम्हारे लिए आई थी। क्या था तुमने मेरे लिए? मतलब हाँ वो मैंने सोचा कि मैं तुम्हारे लिए कुछ बना लूँ, उसी के लिए मैं कड़ी पत्ता ढूंढने आई थी। क्या सोच के आई थी पता नहीं क्या हो गया। अरे आशा रोना बंद करो मेरी माँ, तुम रो क्यों रही हो? मेरे पाँव में दर्द हो रहा है, मैं इसलिए रो रही हूँ। इसी की बात कर रहा था मैं, चोट लगी थी तुम्हें, अब दुख रहा है ना? तुम फिर क्यों डांट रहे हो मुझे? नहीं मेरी माँ, नहीं 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 डांटना, बस सोचने तो मुझे क्या करूँ। मारो दुपट्टा दो। आशा पैर दो। तो बंद हो गया। शिव, आशा ये बहुत ऊपर है, मेरा हाथ ही नहीं पहुंच रहा। शिव, तुम मुझे बच्चा बोल रहे थे और खुद बच्चे जैसे काम कर रहे हो। उसमें कुछ अड़ा देती तो बंद नहीं होता ना? उसको कुछ सोचता हूँ। जल्दी सोचो शिव। अरे सोच रहा हूँ मेरी माँ, मुझे सोचने दो तो चैन से, एक मिनट जरा। सीटी, आशा सीटी हो? सीटी कहाँ रखी सीटी? सीटी तोड़ दी तुमने, अब क्या करेंगे हम? अच्छा रुको, हम मिलके कुछ सोचते हैं। ओके, वैसे जब मैं आया था ना, प्रसाद मेरे साथ बाहर था, प्रसाद होगा। प्रसाद, 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 क्या करे? ऐसा ये बहुत ऊपर है, मुझे नहीं लगता प्रसाद को हमारी आवाज आ रही होगी। अब क्या करे कुछ सोचो, वरना हमेशा के लिए हम इधर ही बंद रह जाएंगे। रुको मैं कोई और रास्ता ढूंढता हूं। शिव, अरे शिव, आराम से चोट लग जाएगी। चोट तो मुझे ऑलरेडी लग चुकी है। कहाँ? यहाँ पे। यहाँ कहाँ? लेने दो। कैसे कर सकती थी तुम ऐसे? तुम्हें कोई आइडिया नहीं है मेरे दिल को कितनी चोट पहुंची। मैंने क्या किया है शिव? मैंने क्या किया, तुम्हें पता भी नहीं? तुम बताओगे तो पता चलेगा ना। हाँ, अब ये भी मैं बताऊँ, तुम्हें याद नहीं? वाह आस्था, पहले तो बर्थडे विश नहीं किया और अब ऐसे बिहेव कर रही हो जैसे मेरा बर्थडे तुम्हें याद ही नहीं। शाबाश, इतना सोचना पड़ रहा है तुम्हें। वो आज आज सैटरडे है। आज फ्राइडे है, आज डेट क्या है? 1 जुलाई। तो आज था 11 जून को क्या होता है? आज की डेट पे भूल रही हो, याद करो, बहुत इम्पोर्टेंट चीज है आज। नहीं तो भूल गई, याद करो, बहुत इम्पोर्टेंट चीज है आज। शिव मुझे याद नहीं आ रहा। याद नहीं आ रहा मतलब याद करो, बहुत इम्पोर्टेंट डे है और ये दिन ना स्पेशली बच्चों को बहुत पसंद है। हर बच्चे को तो दिवाली, होली, बाल दिवस, ये सारे त्योहार पसंद है, और शिव आज तो कोई त्योहार नहीं है। नहीं नहीं नहीं, इनमें से कुछ नहीं है लेकिन उसके जैसा ही कुछ है, सेलिब्रेशन वैसे ही होती है। शिव तुम क्या पहेलियां बुझा रहे हो, चलो यहाँ से निकलते हैं। हाँ निकलेंगे, पहले ये चीज बताओ, पहले याद करो आज क्या है। देखो जब तक तुम्हें याद नहीं आ जाता ना आज क्या है, हम तो यहाँ से जाने से रहे।
याद करो, कुछ भूल रही हो तुम? सुबह मैंने पापा को नाश्ता दिया, चाचा जी को न्यूज़पेपर दिया, पेड़ों को पानी भी दिया, प्रसाद को खाना भी दिया, मम्मी जी को भी विश किया। मम्मी जी को बर्थडे विश किया? किया ना, बस ठीक वैसा ही कुछ है आज। क्या है? हाँ याद आया, मैं तो धोबी को कपड़े देना ही भूल गई। कोई बात नहीं, बाद में दे दूंगी। शिव तुम्हें नहीं याद है ना आज क्या? शिव अभी तो बताया मम्मी जी का बर्थडे है। नहीं नहीं ठीक है ठीक है, तो काम करते हैं, अभी हम कोई बात नहीं करेंगे। ओके, मुझे ना तुमसे बात ही नहीं करनी। बात तो क्या, तुमसे कोई सवाल जवाब भी नहीं करना है। नहीं आता रहा ना, मत आना, सिंपल। शिव नहीं नहीं, इट्स ओके। अब मुझे देखने दो यहाँ से बाहर कैसे निकलना है। मैं जानती हूँ शिव आप क्या चाहते हो, पर मैं वो तब तक नहीं करूंगी जब तक आप मम्मी जी को बर्थडे विश नहीं करें। हाँ सर, हेलो सर, हाँ सब आ रहा हूँ सर। शिव ये कोई जगह है क्या नाराज होने? मैं तुम्हें नहीं जानता। शिव प्लीज मान जाओ ना। एक बार बाहर तो चलो, फिर मैं याद करूंगी मुझे तुम्हें क्या बोलना है। नहीं मानूंगा, नहीं सुनूंगा, याद करो। शिव ये पानी कहां से आ रहा है? ऐसा मुझे लग रहा है ये पानी ऊपर वाटर पाइप से आ रहा है। शिव पानी भरता जा रहा है। बाबा, मामी जी, बलवान भैया, मामी जी। ऐसा मुझे लग रहा है हमारी आवाज बाहर पहुंच नहीं रही, कुछ करना पड़ेगा। बाबा, शिव तुम यहाँ क्यों आए? क्यों आए मुझे बचाने? मेरे साथ तुम भी फंस गए ना, क्या जरूरत थी आने की? आशा जब मैं किसी प्रॉब्लम में होता हूँ तुम मेरी मदद करने आती हो, कभी मैंने तुम्हें पूछा तुम क्यों आई? आशा ये रिश्ता हम दोनों का है, तो इसे हम दोनों निभाएंगे, सिर्फ तुम नहीं। और वैसे भी मैं तुम्हें किसी तकलीफ में नहीं देख सकता। शिव ये इतना पानी कहां से आ रहा है? आशा मैं भी नहीं जानता। बलवान, मामी जी, बाबा, भाभी आप ठीक तो है? आपको कुछ हुआ तो नहीं भाई? अरे तो प्रसाद हमें वहां ले आया, वरना हमें पता ही नहीं चलता तुम दोनों उस गड्ढे में फंसे हो। लेकिन तुम लोग उस गड्ढे में गए कैसे और इतना पानी वहां कैसे आ गया? हाँ भैया, थोड़ी देर के लिए ये लोग अगर उस गड्ढे में और रुक जाते तो पता नहीं क्या हो जाता। भोलेनाथ का शुक्र है
तुम दोनों ठीक हो। लेकिन गोविंद जी, आस्था को थोड़ा जिम्मेदार होना चाहिए। इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो? तुम्हारी वजह से आज शिव की जिंदगी खतरे में थी। माँ, माँ आस्था की कोई गलती नहीं, वो तो खुद गलती से गड्ढे में गिर पड़ी थी। जिस तरह प्रसाद आप लोग को लेके आया ठीक उसी तरह प्रसाद मुझे भी लेके गया था। वो तो आस्था को बचाने के लिए मैं खुद गड्ढे में गया। और चलो शिव बेटा, अब हम सब अंदर चलते हैं, तुम लोग नहा धो लो। चलिए चलो भाई, चलो बेटा, चलो आस्था। चलो, खड़ी क्यों? शिव, तुम चलो, मैं आती हूँ। क्यों, लेकिन तुम क्यों नहीं आ रही? शिव, तुम चलो तो सही, मैं आती हूँ। तुम्हें चोट लगी है तो मैं ले चलता हूँ तुम। नहीं नहीं शिव, मैं ठीक हूँ। शिव बेटा, तुम अंदर जाओ, मैं इसको लाता हूँ। जी बाबा, वो आस्था। बेटा अंदर चलो। जी तुम यहाँ क्यों रुक गए? आस्था, आस्था, ये क्या हुआ तुम्हें? मुझे बलवान ने बताया कि तुम गड्ढे में गिर गई थी। बेटा तुम ठीक तो हो ना? ये सब कैसे हुआ? हे भगवान, तुमने हमारे बच्चों को सही सलामत वापस लौटा दिया। हमें कोटि कोटि प्रणाम है आपको। गुरुमा, धन्यवाद तो मुझे आपका करना चाहिए। आपने मुझे शिव और मम्मी जी को पास लाने का जो तरीका बताया, उससे मुझे बहुत मदद मिलेगी। मुझे पता चल गया कि वो दोनों संदूक कहाँ हैं। संदूक? क्या आप लोग उन संदूकों की बात कर रही हैं जो? हाँ पापा, ये वही संदूक है जो मम्मी जी और शिव ने 10 साल पहले छुपा के रखे थे। मैं उसे ही ढूंढने आई थी। उन्होंने उसमें विशेष लिखे थे। मैं वो विशेष को पढ़ के उनका जन्मदिन वैसे ही मनाना चाहती हूँ जैसे कि वो चाहते हैं। भगवान करे बेटा, उन्हें मिलाने की तुम्हारी जिद के सामने उनकी जिद हार जाए। और अब तो तुमने अपनी जिंदगी भी जोखिम में डाल दी उन्हें मिलाने के लिए। गुरु दीदी, पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि आज ना आज वो होने वाला है जो 10 साल से इस घर में नहीं हो। उसके बाद माँ बेटे एक हो जाएंगे। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है बेटा। चलिए मेरे साथ, हम वो संदूक निकालते हैं। हाँ चलो। मिल गए पापा, दोनों संदूक मिल गए। सब तुम्हारी मेहनत का नतीजा है बेटा। पापा, नतीजा तो तब मिलेगा जब मम्मी जी और शिव की दूरी मिट जाएगी। जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा। चलो अंदर चलते। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।